आम का बगीचा। हेलो। हाँ हाँ, कल रात बहुत तेज आंधी आई थी। अरे रे, ये तो बहुत नुकसान हो गया। हाँ हाँ, मैं आज ही सारे आमों का इंतजाम करता हूँ। चलो चलो, सब लोग जूस पी लो। वाह माँ। क्या हुआ पापा प्यारी? कल रात की आंधी से हमारे आम के बगीचे में बहुत नुकसान पहुंचा है। काफी सारे आम खराब भी हो सकते हैं। ओह, आम कहाँ गिरे? क्या हम उन्हें खा सकते हैं? हाँ, पर पहले सारे गिरे हुए आमों को ठीक से रखना होगा, लेकिन इतनी जल्दी बगीचे के माली वहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। बच्चों, क्या तुम लोग पापा प्यारी की मदद करोगे? क्यों नहीं, और हम बहुत सारे आम भी खा सकते हैं। यम 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 आम। तो चलो बच्चा पलटन, सावधान, अब हम आगे बढ़ेंगे आम के बगीचे की ओर। लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। पापा, इतने सारे आम। अरे रुक बिन्नी, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ सुनो तो। अरे रुको, आम एक साथ नहीं डालने हैं। मैं बताता हूं कि आमों की छटाई कैसे करते हैं। ये है कच्चा आम, ये जाएगा इस टोकरी में। ये पूरा पिचक गया है, ये जाएगा खराब आमों वाली टोकरी में। और ये पके आम की टोकरी में। यम यम। अंकल, हम भी आम खा लें? हाँ हाँ, पके आम, कच्चे आम, मिलके खाएं बच्चे आम। ये इडियप्पम है, मेरे दोस्त ने ये मशीन भेजी है, ट्राई कर रहा हूँ। ट्राई ट्राई ट्राई। पापा पापा, क्या आप इससे चौमिन वाले नूडल्स बना सकते हो? वाह वाह, क्या मैंने चाउमीन सुना। बिल्कुल बना सकते हैं, बस उसके लिए दूसरा आटा चाहिए। टुकी टुकी, आज मिलेगा चाउमीन। रुको, मैं छोटे बोल्स लेके आती हूँ। और अभी सॉस भी लाना बाकी है। थोड़ा सा खा के देखता हूँ। हाँ
पीको टूकी, चाउमीन ऐसे नहीं खाते। सबसे पहले हम इसे अपनी अपनी प्लेट में लेंगे। पहले कांटे से यूं घुमाएंगे और फिर खाएंगे। और अभी एक गाजर। एक बार चाउमीन, एक बार सब्जी। एक बार चाउमीन, एक बार सब्जी। मजा आ गया। क्या हम रोज चाउमीन नहीं खा सकते पापा? रोज? लेकिन कल तो मैं पिज्जा बनाने की सोच रहा था। हाँ, और उसके बाद पूरी भाजी। पूरी? मैं तो मजाक कर रहा था, कल मुझे पिज्जा ही खाना है। नया नया खाना पापा रोज बनाना।